किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर आना, और अगर कौशाम्बी से हो तो ज़रूर विजिट करें। आइए मैं आपको इसका प्रॉपर डिटेल देती हूँ, तो इसकी टाइम टेबल मैं प्रॉपर दिखाती हूँ आप। जैसे गेट पर आप एंट्री करोगे ये पूरा टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो मंडे की टाइमिंग 9:30 से 11:30 तक है, 2 से 5 PM, एंड ये प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मंडे टू संडे प्रॉपर खुला रहेगा, और अंदर भी बहुत प्यारा है। पहले मैं कैप्चर करना चाहूँगी यहाँ का इंटीरियर। कौशाम्बी की ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो कौशाम्बी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्कुल जाहिर है। तो वहाँ पर अशोक स्तंभ कौशाम्बी, घोषिताराम बुद्ध विहार कौशाम्बी, एंड कौशाम्बी का किला, बहुत सारी ऐसी जगह है जो धम्म मित्र बुद्ध विहार कौशाम्बी, बहुत सारे टेम्पल है, श्रीलंका मंदिर कौशाम्बी, हिस्टोरिकल प्लेसेस वहां पर भर भर के हैं। तो आप कौशाम्बी अगर जा रहे हो तो जरूर विजिट करें। और ये एक बेस्ट पार्ट था वहां का, छोटा सा पार्ट था, और भी बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ शेयर जरूर करूं। और आपको कैसा लगा चल रही है, वो अल्ट्रा लेवल पे है, मतलब एक सुकून दे जाए।
जाएगा और मेडिटेशन लेवल आपका एकदम, और इंटीरियर आप यहाँ का देखोगे तो ये इंटीरियर देखने इतनी डिटेलिंग है इसमें, और आप इमेजिन नहीं कर पाओ कि आज के टाइम में, और वैसे होता भी है बुद्ध विहार और वैसे जगह पर आप देखोगे तो ऐसी ही डिटेलिंग मिलेगी। और इन्होंने स्पेशली ग्रीनरी का भी बहुत ख्याल रखा है जो कि बहुत ही एंटीक है, और इस चीज़ को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू है, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि कौशाम्बी में ऐसी कोई जगह मिल सकती है। तो वर्थ हुआ हमारा 65 किलोमीटर आना, और बहुत हैप्पी हूँ कि ये सीन मैं नेचुरली देख पा रही हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग में भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आप इंजॉय करिए और भी चीज़ें डिटेल में दिखाती हूँ। तो चलिए की डिटेलिंग मैंने जितनी भी चाहिए आपको दे दी, मतलब जितना मैं कर सकती थी उतना आपको दिखा दिया। और इसकी डिटेलिंग इतना दे पाना फ़ोन से पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर हम चाहें भी तो फ़ोन से इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ फ़ोन से, तो आप इसका सिर्फ 2% रियल मानना, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग, तो यहाँ पर इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर ये जो वॉल है यहाँ पर, एक मिनट, एक प्यारे प्यारे से स्टैचू है। इसका इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 65 किलोमीटर इस तरह के लोकेशन के लिए बहुत कम है। आपको मतलब अगर ये शायद 100 km भी दूर होता तो शायद मैं आती। और इसका लोकेशन ये मैंने तब देखा था जब स्टार्टिंग में बन रहा था, और ये बिल्कुल क्वीन वाली फीलिंग दे रहा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देख लें इसका वॉल, इसका डोर, मतलब पुराने टाइम का एक एक इंटीरियर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। और ये जो आपको दिख रहा है, छोटे छोटे से बॉर्डर दिख रहे हैं, ये प्रॉपर एक स्टैचू है, और जिस ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने रोक रखा है वॉल को। और यहाँ पर बहुत सारे वॉल है जो काउंट नहीं किया जा सकते, आप हर तरफ देखोगे ना सिर्फ वॉल ही वॉल नज़र आ रहे हैं। तो चले, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे ट्रैवल व्लॉग बहुत पसंद है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद है। तो फाइनली मैंने वो किया जो मैं करना चाहती थी, और आई होप कि आप भी वही देख पा रहे हो जो आप देखना चाहते थे। और ये बैकग्राउंड से जो म्यूज़िक आ रहा है ना, ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने 10 दिन का मेडिटेशन किया है। तो ये खूबसूरती आपको सिर्फ ऐसी ही जगह पर मिलेगी, और ये शांति बहुत ब्यूटीफुल है। और इसकी ग्रीनरी लोकेशन भी दिखा देती हूँ आपको। सो ये देखें, तो मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा और भी जानना चाहती थी, बट यहाँ पे जो होते हैं वो आपसे बात नहीं करते, क्योंकि उनका होता है मौन व्रत और ये वो, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मेरे को जितनी चीज़ें पता थी। हाँ, तो कोशिश करूँगी, अगर आपको पता है मेरे ब्लॉग में, आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करिए। और अगर कौशाम्बी में इस तरह की और भी कोई लोकेशन है तो फटाफट से कमेंट में बताइए, और मैं जब तक हूँ यहाँ पर सारा ब्लॉग अच्छे से कैप्चर करूँगी। और चले, अब मैं रील शूट कर लेती हूँ, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलो, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।